तरह से स्टार्ट, राइट? सो आई हैव टोल्ड यू कि इफ थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, यस बच्चों? साइन थीटा की वैल्यू कहां से बढ़ती है? बिकॉज जीरो से वन तक जाती है जी, इज इट क्लियर? और कॉस थीटा में क्या होता है? इफ थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस, मीन्स ये वन से जीरो आ जाता है। यहां तक समझ आ गया बच्चों, राइट? नाउ अब अगर हम टेन थीटा पे आते हैं, व्हाट इज टेन थीटा? साइन थीटा अपॉन थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है और कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यूज क्या होंगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा? बेटा ये जीरो से स्टार्ट होगी, तो 0 डिग्री, एंड इट विल गो अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों जा रही है? क्योंकि साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट पे जाके कॉस थीटा बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल एंड साइन थीटा बिकम अप्रोक्सीमेटली वन। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो तो जीरो से स्टार्ट इंफिनिटी तक इंक्रीज करती है बच्चों, राइट? इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? अब बाकी सबकी जो है वो वैल्यूज आप बता सकते हो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा इफ थीटा इंक्रीजेस? वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा की वैल्यू का वेरिएशन कैसे रहता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट जीरो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट जीरो? सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कॉस जीरो इज वन, तो सीकेंट जीरो विल बी वन, राइट? सो इट स्टार्ट फ्रॉम वन, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट 90 डिग्री? सीकेंट 90 डिग्री की वैल्यू 1/0, राइट? दैट इज इंफिनिटी। सो इट स्टार्ट फ्रॉम वन एंड इट गोज टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है बच्चों? ये वन से स्टार्ट हो रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखिए, व्हाट इज दिस? 1/cos थीटा। कॉस थीटा जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? वन से। एट 0 डिग्री कॉस थीटा इज वन, 1/1, 1। बट जब आप इसकी वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं, 1/वेरी स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू सपोज 0.0000, लेट से 1, तो दिस वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल गो टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा है ये? यस और नो? नाउ कम टू द कोसिकेंट थीटा। इफ थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ कोसिकेंट थीटा, व्हाट इज साइन 0 डिग्री? व्हाट इज साइन 0 डिग्री? जीरो। सो कोसिकेंट इज 1/sin, 1/0 इज इंफिनिटी, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एट कम्स डाउन टू वन, राइट? यस और नो? इंफिनिटी पे है वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? वन, राइट और नॉट जी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 90 डिग्री? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 90 डिग्री बच्चों? एंड कोसिकेंट 0 डिग्री इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी मतलब हायर, इट इज कमिंग लोअर,
एंड व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ कॉट थीटा? इफ थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा का वेरिएशन क्या होगा बच्चों? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस 0 डिग्री इज 1 एंड कॉस साइन 0 डिग्री इज 0, तो 1/0 इज इंफिनिटी, राइट? सो इंफिनिटी से स्टार्ट होगा बच्चों ये, एंड लोएस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉट 0 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, 0 डिग्री, सॉरी 0, नॉट डिग्री, 0। सो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। वैल्यूज आपको लर्न कैसे करनी है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइड एवरीथिंग बाय 4 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द टर्म्स। साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आप बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? ये नोट कर लो बेटा वेरिएशन कैसे होता है, बिकॉज आपकी असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है बेटा एक, हाँ जी प्लीज ओपन योर असाइनमेंट। असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू ऑफ टैन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेस। नाउ टेल मी दिस, इनको देख के बताइए कि ये ट्रू है फॉल्स है। आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है टेन थीटा की भी, दिस इज टेन थीटा, ये टेन थीटा का ग्राफ बनाया और ये साइन का। देखिए दोनों को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है और टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, राइट जी? बट ये 0 से 1 तक जा रही है, ये 1 के आगे नहीं जा रही है, बट दिस इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट? सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज दिस करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट? वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू और फॉल्स बच्चों? सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री? इट इज इक्वल टू 1। नाउ इज इट स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? बिकॉज इट इज इक्वल टू 1, नॉट ग्रेटर देन 1, हेंस दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। इज दिस क्लियर? यस और नो बच्चों? नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजन? साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, इज दिस ट्रू और फॉल्स? इज दिस, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि साइन थीटा डज नॉट मीन साइन इंटू थीटा। वट इज द सेकेंड स्टेटमेंट? नाउ वट इज द रीजन? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, इज दिस ट्रू? दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ, राइट? सो सेकेंड स्टेट रीजनिंग इज ट्रू। इज दिस क्लियर? वट इज द करेक्ट आंसर? ई पार्ट, ई पार्ट इज देयर? If assertion A is true, yes, D part is the right answer. Right, students? So this concept is clear.
यस देर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इन द असाइनमेंट, जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एक्स इफ एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 सीकेंट 60 डिग्री टैन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/3 दिस क्वेश्चन इज गिवन स्टूडेंट्स। सो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? 3/2 पी बाई टू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट 60 डिग्री? टू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन 30 डिग्री? 1/3, but as we require sine 45 degree, 1/√2, 1/√2. What is the value of tan 60? √3। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x sine square 60 degree। What is the value of sine 60? √3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड 60? 2 इंटू टेन स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 4/3। 5 इज 1/√2 टेन 30 इज Is it clear? Is this clear, students? Yes. Solve कर लेते हैं इक्वेशन को जी। This becomes 3/4 minus 2 cancel. This will be 1/3 plus 4/3 into 1/2 into 3. So 3 से 3 cancel, 2 2s are. So this becomes 3x/4 minus 1/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया जी, 3x/4 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2। सॉल्व कर लिया बेटा इसको, विच इज माइनस 5/3। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 5/3 इंटू 4/3, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 20/9। विजिबल है बच्चों नीचे? नहीं। इज इट विजिबल? नहीं, विजिबल नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि नहीं। ओके Now is it visible? Minus 20/9, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका, मिक्स फ्रैक्शन में दिया आंसर, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है जी, सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑन वैल्यूज। शैल आई क्लियर दिस? प्लीज कर लो नोट बच्चे। डन स्टूडेंट्स,
हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट असाइनमेंट पे, नेक्स्ट बैक साइड पेज पे आ जाइए, मॉड्यूल 2 पे। आपके पास एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट इज अगेन ऑन दिस कॉन्सेप्ट, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 60 डिग्री जस्ट आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है जी। देखिए बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 60? टेन थ्री रूट थ्री, रूट थ्री स्क्वायर आ गया, साइन 30 डिग्री। टेन बाय 45 इज 1 एंड कॉस 30 इज 2, रूट थ्री बाय 2। को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 3 माइनस 1 बाय 4 अपॉन 1 प्लस 3 बाय 4। सो आपने एलसीएम लिया न्यूमरेटर में, तो दिस 4 विल बी कैंसल आउट, सो दिस कम्स आउट टू बी 11/7। मिक्स फ्रैक्शन में दिया आंसर इसका भी? नहीं जी, 11/7 इज द आंसर। राइट स्टूडेंट्स, डी चॉइस, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? चलिए, सो हमारे वैल्यू बेस्ड जो है क्वेश्चन, ये वाले फिनिश हो गए यहाँ पे। नाउ वी मूव टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में दो क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट से, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? आइडेंटिटीज आपको पता है कि जिस तरह से अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज होती हैं विच हेल्प अस टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट? तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है, कहाँ से आई आइडेंटिटीज, किस तरह से ये आइडेंटिटीज बनी है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करते हैं। नाउ सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों? सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज योर एच बी एंड पी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम्स वी हैव एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दिस क्लियर? नाउ इफ यू डिवाइड दिस होल इक्वेशन, डिवाइड 1 बाय लेट से एच स्क्वायर, देन व्हाट इट बिकम्स? इज दिस क्लियर बच्चों? हम किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ किसी एक टर्म से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, एच स्क्वायर कैंसल हो गए जी। नाउ कैन वी राइट दिस एज पी अपॉन एच होल स्क्वायर एंड दिस एज? क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? वट इज पी अपॉन एच? साइन थीटा। वट इज बी अपॉन एच? कॉस थीटा। सो वट इट बिकम्स?
साइन थीटा स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। इफ आई राइट साइन थीटा होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। इज दिस क्लियर बच्चों? साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर? देर इज नो डिफरेंस, सो दैट्स वाई दिस इज साइन थीटा होल स्क्वायर। सो वी हैव रिटन इट साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, वी हैव रिटन इज कॉस स्क्वायर दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। नाउ फ्रॉम दिस फर्स्ट आइडेंटिटी यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इफ आई टेक कॉस स्क्वायर थीटा ऑन दिस साइड व्हाट इट बिकम्स? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन क्वेश्चंस यू हैव टू राइट सपोज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा और वाइस वर्सा, सो यू शुड नो दीज मॉडिफिकेशंस। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड साइन थीटा व्हाट इट विल बी? स्क्वायर रूट ऑफ, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया जी, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा, टेक साइन स्क्वायर थीटा ऑन लेफ्ट साइड, सो कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड व्हाट विल बी कॉस थीटा? रूट माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो वी हैव वन आइडेंटिटी बट वी कैन राइट दिस इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज द वन आइडेंटिटी, डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर एंड इन क्वेश्चन यू शुड नो ऑल दीज फॉर्म्स बिकॉज एनी ऑफ दीज फॉर्म्स कैन बी एप्लीकेबल डायरेक्टली। इज इट क्लियर जी? ये क्लियर है बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर? चलिए हम दूसरी आइडेंटिटी पे चलते हैं बच्चे। मैं रब कर दूं इसको जी, अगर आपका नोट हो गया तो। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था हमने फर्स्ट केस में, नाउ डिवाइड बाय एनी ऑफ दिस, लेट्स से वी डिवाइड बाय पी स्क्वायर, सो व्हाट दिस बिकम्स? तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, वी कैन राइट दिस एज एच अपॉन पी, राइट? What is H upon P? H upon P? Cosecant theta. So this will become B upon P. So this is your second identity. Again, this identity can also be written as 5 different forms. This is cosecant square theta. What will be cosecant theta? Under root of 1 plus cot square theta. What will be cot square theta? Take 1 on the left side. So cot square theta will be equal to, correct? And cot theta, cosecant square theta minus 1. Clear? Is this clear, students? Now, if you have to find the value of 1 here, so take cot square theta on the other side.
सो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस इज द ऑल द 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट? इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ चलिए हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं जी. नेक्स्ट आइडेंटिटी में अब इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, पी स्क्वायर से करेंगे. अब थर्ड टर्म इज बी स्क्वायर टू बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर. सो दिस बिकम्स सो दिस विल बी कैंसल आउट, एच अपॉन बी होल स्क्वायर, राइट? सो वी हैव कन्वर्टेड इन टू एच अपॉन बी. एच अपॉन बी इज, व्हाट इज एच अपॉन बी? सीकेंट थीटा. सो दिस विल बिकम सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1. सो दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी. अगेन दिस आइडेंटिटी कैन बी मॉडिफाइड इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट इज इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा, जस्ट टेक स्क्वायर रूट. करेक्ट? नाउ इफ यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, टेक 1 ऑन द लेफ्ट साइड. सो टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. अनदर थिंग, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, टेक टेन स्क्वायर थीटा ऑन द अदर साइड. सो दीज आर द 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस आइडेंटिटी. प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग. सो 5 प्लस 5 प्लस 5, यू हैव 15 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ 3 आइडेंटिटीज. सो इनको आपको डायरेक्ट यूज करना होता है बच्चों क्वेश्चंस में. जो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, यू प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट आइडेंटिटीज. डन स्टूडेंट्स? हो गया बच्चों? हाँ जी, बच्चे कुछ कह रहे थे. चलिए बच्चों, अब आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, राइट? सो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करने का देखिए कोई सेट रूल नहीं है. इसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसमें अगर आप एक 3 स्टेप अप्रोच लगाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट? मीन्स आई विल टेल यू 3 पॉइंट्स. अगर आप उन 3 पॉइंट्स को अप्लाई करो तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं. बट नॉट ऑल क्वेश्चन आर डन बाय दीज मैथड्स. वट इज दिस मैथड और दीज स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, राइट? कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फॉर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है? आपने जब साइन और कॉस में कर लिया, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है उसके अंदर साइन एंड कॉस ही हो सकता है ऑलरेडी, सो देयर यू नीड नॉट टू अप्लाई द फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? इसके बाद क्या करना है? अप्लाई, क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं आप? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और रैशनलाइजेशन, और क्या कर सकते हैं आप? अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा ली, रैशनलाइजेशन लगा लिया, अनदर थिंग इज फैक्टराइजेशन, ठीक है? एनी ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू अप्लाई इन द सेकेंड स्टेप, राइट? सेकेंड स्टेप में आपने इनको अप्लाई कर लिया, तीनों में से कोई भी चीज, या एक चीज या एक से ज्यादा भी हो सकती है. सो अप्लाई दीज थ्री थिंग्स. व्हाट इज द थर्ड थिंग? उसके बाद आपको क्या करना है? अप्लाई एनी ऑफ द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट? ठीक है, ये दिस इज द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं जी. इज दिस क्लियर बच्चों? सो प्लीज नोट डाउन दीज थ्री स्टेप्स. नाउ वी विल ट्राई योर क्वेश्चंस विद दीज. चले बच्चों क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन हो गया बच्चों? बेटा स्टेप्स नोट हो गए आपके? चले क्वेश्चंस करें कुछ आगे. चलिए देखिए जरा. चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. सपोज कीजिए हमारे पास, देखिए मॉड्यूल टू का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. अब इसको आपको कैसे करना है? नाउ इन दिस क्वेश्चन आप कन्वर्ट भी कर सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा में, और बिना कन्वर्ट किए भी यू कैन गेट द आंसर. इन दिस क्वेश्चन इट विल बी इजी इफ वी डू विदाउट कन्वर्टिंग. फॉर एग्जाम्पल हमने लेफ्ट हैंड साइड ली. व्हाट इज द फार्मूला फॉर सीकेंट स्क्वायर थीटा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. कैन वी राइट? व्हाट इज द फार्मूला फॉर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा? देखिए बच्चों हमें आंसर जो है वो टेन और कॉट की फॉर्म में चाहिए. इज इट क्लियर? टेन और कॉट की फॉर्म में करने के लिए हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा वी कैन डू इन द फॉर्म ऑफ कॉट स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म में आइडेंटिटी लग गई जी. यस और नो? नाउ व्हाट इट बिकम्स? टेन स्क्वायर थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? बच्चे देखिए, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल कॉट। अगर मैं यहां पे टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और टैन थीटा से डिवाइड कर दूं, विल इट मेक ए डिफरेंस? कोई फर्क पड़ा बच्चों यहां पे? यस और नो? नो तो वन अपॉन टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉट थीटा। कैन आई राइट दिस एज कॉट थीटा आल्सो? यस और नो? अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यस और नो बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो कैन वी राइट दिस एज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, राइट? सो दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट, सो दिस टू विल बी कैंसल आउट एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इक्वल टेन थीटा प्लस कॉट थीटा टू योर राइट हैंड साइड। इज दिस क्लियर बच्चों? प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। द नेक्स्ट लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट टुमारो एंड कंटिन्यू।